as the southern Terai region has been simmering with protests against the newly formed constitution for the last 4 months, the decision taken by the Nepal government to address the demands of the agitating Madheshis with regard to the new charter has given a ray of hope to the community. As per the reports, the government of Prime Minister KP Sharma Oli has proposed to take a re-look at clauses in the Constitution Amendment Bill related to proportional representation of women, Dalits, Janajatis and the Madheshi community in state bodies and electoral constituency delimitation based on the population by retaining at least one constituency for each of the 75 districts besides the issue of redrawing of borders of federal provinces. The Madheshis had warned the government of intensifying their protests if the issues were not addressed at the earliest. अभी जो वर्तमान अवस्था है, जो आतंक का जो है वहाँ शासन है, सिविल प्रशासन, नागरिक प्रशासन नाम का जो है वहाँ कोई चीज नहीं है, सभी जो है कार्यालय सब जो है बंद है, सड़कों पर जो है उन्हीं के जो सुरक्षा निकाय के लोगों का ही जो है उपस्थिति है, लोग कष्ट में हैं, हम लोग जो है इस तरह के शासन प्रशासन से मुक्ति चाहते हैं और अपना सरकार चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं, मधेश सरकार चाहते हैं। The Himalayan nation has been crippled by the ongoing agitation, resulting in economic crisis in the country. आज जो 4 महीना से मधेश बंद है, मधेश बंद के क्रम में जो ये सरकार ने जो पहल शुरू किया है, तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन वार्ता सार्थक होना चाहिए। सरकार के जो ये जो भूमिका है वो निश्चय रूप से मधेश के जो जनता जो जल रहा है, मर रहा है, उसके तरफ से अगर सोचेगा तो निश्चय रूप से वार्ता के जो पहल निकाला है तो हम लोग सहमत में जाएंगे। द मधेशीज हैव वेलकम द गवर्नमेंट्स डिसीजन बट दे होप द अमेंडमेंट्स आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी व्हिच हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। निश्चित रूप से जो सहमति हुई है इसको हम लोग सकारात्मक रूप से लेंगे, और ये क्यों हुई है इसका मुख्य कारण क्या है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना जन जन का इस आंदोलन में समर्थन मिला, इस कारण से सरकार बैकफुट पर आके डिसीजन लिया है, और हम लोग आशा करेंगे कि वो जो डिसीजन लिया गया है उसको कार्यान्वयन किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। द मधेशीज हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिमांडिंग मोर रिप्रेजेंटेशन इन